Hi guys, welcome to Tag My College. इस वीडियो में हम बात करेंगे how to write a perfect essay for XAT. XAT का मैं ब्रीफ कर देती हूँ. XAT is an exam which is conducted by XLRI and basically आपको अगर बी स्कूल में एडमिशन्स चाहिए तो उसके लिए आपको XAT, CAT, MAT इस तरीके के एग्जाम्स देने होंगे. तो XAT का स्कोर काफ़ी बी स्कूल्स में 600 बी स्कूल्स में एक्सेप्टेबल है. ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि पैटर्न के बारे में बात की थी, XAT के पैटर्न के बारे में. सो XAT का पैटर्न, एज आई टोल्ड यू, दो पेपर्स होते हैं. पेपर वन में आपका क्वांट, DI, आपका वर्बल, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं. पेपर टू में आपका जनरल नॉलेज एंड आपका एसे आता है. सो हेयर आई टेल यू अबाउट हाउ टू राइट अ परफेक्ट एसे फॉर दैट कंसेप्ट, कि XAT में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप अपने एसे वाले क्वेश्चन को किस तरीके से प्रिपेयर करोगे. सो जो एसे की ड्यूरेशन होती है वो 20 मिनट्स होती है एंड दिस इज़ अ वेरी क्रूशल पार्ट ऑफ XAT एग्जाम, क्योंकि इससे एग्जामिनर बेसिकली आपके क्रिएटिविटी, आपके थॉट प्रोसेस, आपके रिटन कॉम स्किल्स को टेस्ट करते हैं. सो आपको इन सारे पैरामीटर्स को, सारे मल्टी डायमेंशनल कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे आपको जज किया जाता है एंड उसके बाद आपका PI एंड आप मतलब इंटरव्यूज के लिए प्रोसीड करते हैं. सो नाउ दिस वीडियो विल बी ऑल अबाउट दी एसे, दैट इज एसे हाउ टू पुट अप, व्हाट आर द पॉइंट्स यू बेसिकली नीड टू यू नो फोकस व्हाइल यू आर राइटिंग फॉर दी एसे और व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दी एसे. तो पहला जो पॉइंट आएगा वो सेट अ फॉर्मेट फॉर दी एसे. ठीक है, तो वेरी फर्स्ट थिंग फॉर अ गुड एसे इज उसका पूरा ओवरऑल अपीयरेंस. ठीक है, भूलना मतलब ऐसे पैराग्राफ्स में लिखना मत भूलना पूरे ऐसे को, बिकॉज पैराग्राफ्स आर वेरी एसेंशियल. उससे क्या होता है कि आपको मतलब फॉर्मेट पता लग जाता है कि ओके दिस फर्स्ट पैराग्राफ में उसने इतना कहा, सेकंड में इतना, दैट गिव्स यू अ स्टॉपेज और यू कैन से पॉज फॉर द रीडर. ठीक है, तो बेसिक ऐसे में करीबन 3 से 4 पैराग्राफ्स होने ही होने चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन दी वर्ड लिमिट और जो सब हेडिंग्स हैं. ठीक है, एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू राइट द टाइटल एज वेल. एक्सेप्ट द फिजिकल अपीयरेंस, आपको फॉर्मेट का भी ध्यान रखना है कि ठीक है आपने पैराग्राफ्स में लिख दिए लेकिन किस फॉर्मेट में, किस तरीके के फॉर्मेट में आप लिख रहे हो, वो भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. स्टार्टिंग विद योर एसे आप अपना क्रिएटिव अप्रोच डाल सकते हो ताकि रीडर का अटेंशन जाए. हर पैराग्राफ में उस थ्योरी का जो आपने ऊपर बात किया उसका डिस्क्रिप्शन या उसके बारे में आप लिख सकते हो, बेस्ड अपॉन न्यू थ्योरी, न्यू एंड डेफिनेट आइडियाज़ बेसिकली. क्यों? क्योंकि जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल फॉर्मेट होता है वो आपका इंट्रोडक्शन होता है अबाउट दी सब्जेक्ट. अगर आपने इंट्रोडक्शन ही अपना अच्छा दिया है तो डेफिनेटली जो रीडर है वो नीचे वाले पैराग्राफ्स में फोकस करेगा ही करेगा. ठीक है, एंड नेक्स्ट पैराग्राफ तक पहुँचते जो रीडर होता है वो आपके सब्जेक्ट को अच्छे से समझने लग जाता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पर है. एंड फाइनली, ठीक है, ये तो फर्स्ट पैराग्राफ की बात हुई. सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में आप अपना कंक्लूजन रैपअप करोगे कि आप क्या कहना चाह रहे हो उस टॉपिक पे, लाइक व्हाट आर योर कंक्लूजन ओवर देयर. बीच में आप एक या दो पॉइंट्स में अपने उन्हीं उसी कंक्लूजन के बारे में लिख सकते हो कि क्यों आपने ऐसा कुछ कहा, उस चीज़ों के बारे में, उस चीज़ों उन फैक्ट्स को या उन रीजंस को आप सेकेंड या थर्ड पैराग्राफ में डिफाइन कर सकते हो. सो दिस इज़ अ प्रॉपर फॉर्मेट कि आपको ऐसे ऐसे लिखना है. फर्स्ट में आप इंट्रोडक्शन दो सब्जेक्ट का, लास्ट पैराग्राफ में अपना कंक्लूजन करो और बीच के 2 या 3 पैराग्राफ में जो आपने इंट्रोडक्शन दिया है और कंक्लूजन जो दिया है उसका रीज़न स्टेट आउट करो उन 3 पैराग्राफ्स में. सो दिस इज़ अ वेरी सेट फॉर्मेट यू शुड यूज़ फॉर द एसे. सेकेंड थिंग मैं बात करूँगी, एक्सप्रेस मोर इन लेस वर्ड्स. ठीक है, ट्राई टू स्टे कंपोज्ड व्हाइल यू आर राइटिंग. डू नॉट राइट व्हाट यू स्पीक और हाउ यू थिंक इन अ जनरल लाइफ. सी, रिमेंबर आप अपने वर्ड्स को जब भी पेन डाउन कर रहे हो सो बहुत प्रिसाइजली उस चीज़ को करना, बहुत कंसाइजली करना एंड क्लियरली करना. फालतू बातों पे ना ही ध्यान करो, ना ही उनको लिखो तो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज उससे क्या होगा, आप फालतू चीज़ें रखोगे, यू विल बी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग द रीडर, विच इज़ अ वेरी नेगेटिव पॉइंट. ठीक है, एंड लॉन्ग सेंटेंसेस तो गाइज बिल्कुल मत लिखना, बिकॉज नो वन रीड्स इट्स अ बेसिकली गिव्स यू अ बोर टू द एग्जामिनर, कि वो तब तक लॉन्ग सेंटेंसेस को सेंस बनाते बनाते बोर हो जाता है. एंड एक्सप्रेस योर थॉट्स इन अ कॉम्प्लेक्स वे विल मेक इट डिफिकल्ट फॉर द रीडर टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू. सो दैट इज़ अ रीजन आई एम टेलिंग यू, कीप इट वेरी सिंपल. जितना ज़्यादा आप उसको कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाओगे या शो करोगे कि हाँ ठीक है, आई नो द डिफिकल्ट लेवल या आई एम केपेबल ऑफ दिस थिंग, सो गाइज दैट्स डेफिनेटली गोना बी अ डीमेरिट फॉर यू. सो जस्ट मेक योर एसे वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज. ट्राई टू बी शॉर्ट एंड क्रिस्प. Do not repeat things while you are writing. So that was the second thing. Moving ahead, third I'll talk about, do not stuff your essay with vocab. हाँ,
अगर आपको लगता है कि हैवी हैवी भारी भरकम वर्ड्स डालने से मेरे को मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे देन डेफिनेटली यू आर वेरी रॉन्ग. गुड वोकैबुलरी पॉजिटिव फैक्टर होता है बट आलतू फालतू चीज़ों को करने से एडिंग टू मच ऑफ डिक्शनरी लैंग्वेज बेसिकली आपके पॉइंट्स को डिडक्ट कर जाएगा बिकॉज यू नेवर नो व्हाट द अंडरस्टैंडिंग लेवल द रीडर इज हैविंग. So he might get confused or he might take it in another sense. So it's better to keep it very simple. Try it. Don't put all your vocab words over here. Use words which are easy to understand and while making it very attractive. Next is do not deviate from the topic. Yes, very important is that most of the people, most of the students basically do that. They do, you know, get deviated from the topic. Stick to your topic while you are writing because deviations बहुत common है writing skills में देखी जाती हैं. ठीक है, so it is very mandate to remind yourself कि आप topic से ही लिख रहे हो, उससे अलग हट के नहीं लिख रहे हो. ठीक है, अपने subject से बिल्कुल अलग मत हटना. हो सकता है your writing must express the answer to the question asked. So rather than just writing an essay which begin on the subject but ended with some other issue. So it's better to just stick to your topic. Next is try to use relevant examples of fact. That is the very plus point. आप अपने facts या relevant examples लिखोगे, that will definitely put something in your entire essay. ठीक है, facts लिखो, proverbs use कर लो, quotations use कर लो, catchy phrases या catchy words use कर लो. I'm telling catchy. हैवी फेजेस या हैवी वो मत करना, जो कैची थोड़े मतलब कॉमन हो उस तरीके से. एंड बेसिकली दिस अलाउज यूजर और रीडर टू स्टिक टू योर पीस. नेक्स्ट आई टॉक अबाउट इज कीप अ चेक ऑन योर स्पेलिंग्स एंड ग्रामर. सी जो रीडर मतलब इस एसे में सेक्शन में देखा जाता है वो यही देखा जाता है कि सबसे पहले आपकी क्रिएटिविटी स्किल्स, आपकी कि आप कितने थॉट प्रोसेस किस तरीके से चलता है, एंड देन इट इज़ द कॉम स्किल्स, रिटन कॉम स्किल्स विच आर चेक्ड. सो स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल एरर बहुत बैड इम्पैक्ट डालेंगे एग्जामिनर पे, तो डेफिनेटली इट मे अनॉय द एग्जामिनर एज वेल. सो टेक योर टाइम बट राइट द करेक्ट लैंग्वेज. कीप अ चेक ऑन योर स्पेलिंग्स एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स. प्रूफ रीडिंग ज़रूर कर लेना सबमिशन करने से पहले, कि हाँ सबमिट करने से पहले आप प्रूफ पूरा ऐसे दो तीन बार पढ़ लेना ताकि आपको पता लग जाएगा कि आप गलत हो तो कहाँ पर गलत हो. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ऐसे कि आपको ऐसे इस तरीके से फॉर्मेट इन इन चीज़ों को याद करके तो डेफिनेटली लिखना है एंड प्रिपेयर भी इसी तरीके से करना है. अपार्ट फ्रॉम दैट जनरल टॉपिक्स ले लो, उनको उठा के आप मतलब उनके बारे में राइटिंग्स लिख सकते हो. This will be a practice for your, you know, essay portion. So guys, इस वीडियो में बस इतना ही था. इसके अलावा अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं तो यू कैन कॉल आर एक्सपर्ट्स. उसके लिए आपको हमारी इस वेबसाइट पे, इस वेब पेज पे जाना होगा peaschool.tagmycollege/askaexpert. अपनी क्वेरीज को वहाँ पर एंटर करना, अपने मतलब अपनी डिटेल्स को वहाँ पर एंटर करना एंड डेफिनेटली यू विल गेट अ कॉल बैक फ्रॉम आर रिप्रेजेंटेटिव. इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी सजेशन है, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क अस एंड गिव अस अ सजेशन. डेफिनेटली विल ब्रिंग आउट दैट बेस्ट फॉर यू. एंड गाइस, वेरी सून मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाली हूँ बी स्कूल से रिलेटेड, जैट, मैट एंड सारे एग्जाम्स को कवर करने वाली हूँ. सो जस्ट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. सो कीप वॉचिंग, कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप पोस्टिंग. बाय बाय.